अहिल्या उत्सव समिति द्वारा 9 दिनी महोत्सव के तहत बुधवार शाम स्थानीय उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में पेशवाई ठाट से पालकी शोभा यात्रा निकाली। शाम करीब 4 बजे सुसज्जित पालकी में विराजित मातोश्री की प्रतिमा के दर्शन एवं पूजन अर्चन के लिए रास्ते भर लोग कतारबद्ध नजर आए। विधायक रवि जोशी, पूर्व राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार सहित समाज सेवियों, जन प्रतिनिधियों ने पूजन अर्चन कर मातोश्री का आशीर्वाद लिया और यात्रा में शामिल हुआ। अहिल्याबाई की वेशभूषा में पालकी के आगे आगे अश्व पर सवार होकर चल रही बालिका आकर्षण का केंद्र रही। इस पालकी यात्रा में स्काउट गाइड दल, एनसीसी कैडेट, रेड क्रॉस सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि, छात्र छात्राओं ने शामिल होकर अनुशासन का पाठ पढ़ाया। यात्रा पोस्ट ऑफिस चौराहा, सराफा बाजार, किला गेट होते हुए कुंदा तट स्थित अहिल्या घाट पहुँची। यहाँ विशेष पूजा अर्चना और महाआरती के बाद पालकी यात्रा का समापन हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। साहब की 228वीं पुण्यतिथि के अवसर पर खरगोन में अहिल्या उत्सव कमेटी द्वारा भव्य शोभा यात्रा, पालकी यात्रा निकाली जा रही है। अभी यह जो शोभा यात्रा आज़ादी के पूर्व से यहां पर निकाली जा रही है और हम इस कमेटी के माध्यम से अहिल्या माँ साहब ने जो नारी शक्ति के लिए जो काम किया है उसको जन जन तक पहुँचाने के लिए हम लोगों को प्रेरणा मिले, इस उद्देश्य से इस पालकी यात्रा का निकालने का उद्देश्य है। ये पालकी यात्रा उत्कृष्ट विद्यालय, देवी उत्कृष्ट विद्यालय से निकलती हुई सराफा बाजार होते हुए प्रमुख मार्गों से होती हुई सिद्धनाथ मंदिर होते हुए गणेश मंदिर, महाकाल मंदिर में समापन होगा। इसका अनिल कोकणे, अहिल्या उत्सव कमेटी अध्यक्ष, खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।